सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले धीरू मौंचिक भैया के बारे में। बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते होंगे। धीरू मौंचिक प्रोफेशन से एक एक्टर, रैपर, राइटर, कॉमेडियन, डांसर और यूट्यूबर है। जो लोग इन्हें नहीं जानते, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग यार इन्हें जानते हैं वो वीडियो को लास्ट तक इन्जॉय करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनके करियर से जुड़ी कुछ बातें और धीरू मौंचिक के लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी और कार कलेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही इनके यूट्यूब से होने वाली इनकम के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इनका रियल नेम धीरेंद्र चौहान है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें धीरू और धीरू मौंचिक के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। और इनका जन्म उत्तराखंड काशीपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली में 12 जून 1998 को हुआ था। धीरू ने अपने यूट्यूब की शुरुआत 2017 में की थी कॉमेडी वीडियो बनाने से, लेकिन कॉमेडी में फेल होने के बाद ये रोस्टिंग वीडियो बनाने लगे और रोस्टिंग वीडियो इनकी इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इन्होंने एक साल से पहले ही अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे। और अब इनके यूट्यूब चैनल धीरू मौंचिक पर 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और इनके ब्लॉग चैनल धीरू मौंचिक एक्स्ट्रा पर 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल और है डी मौंचिक के नाम से, इस पर भी इनके 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, धीरू रोस्टिंग वीडियो बनाने के साथ साथ गाने लिखते और गाते भी हैं और अभी तक ये 7 गाने रिलीज कर चुके हैं। शुरुआत में धीरू अपने गाने धीरू मौंचिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज करते थे, लेकिन अब इन्होंने गाने अपलोड करने के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया धीरू के नाम से, जिस पर इनके 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। और दोस्तों, इनको 3 लाख से भी ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन और मंथली इनकम के बारे में। तो दोस्तों, धीरू मौंचिक स्पॉन्सरशिप, पैड प्रमोशन और गूगल एडसेंस से हर महीने 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। अगर बात करें इनके कार कलेक्शन और बाइक कलेक्शन की, तो इनके कार कलेक्शन में महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी कीमत 12 लाख रुपए के करीब है, और बाइक कलेक्शन में KTM ड्यूक जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए के करीब है। और इसके रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 बुलेट ये भी लगभग 2.5 लाख रुपए में ही आती है। और लास्ट में जावा जुक्स की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।